अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पपाया शेक, जो बहुत ही टेस्टी होता है और हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। गर्मी में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पपीता हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पपीते में विटामिन ए, विटामिन के और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आज हम पपीता शेक बनाएंगे। उसके लिए हमने ये कुछ पपीते को काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में। दो छोटी इलायची का हमने पाउडर बना लिया है। शक्कर हमने लिया है जो हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। आधा लीटर दूध लिया है जो हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। अब हम पके हुए पपीते के छोटे छोटे पीसेज कर लेंगे इस तरह से। सारे पपीते को हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है। जाल लेंगे, इसमें हम पपीते डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हम बंद करके पीस लेंगे। ये हमारा अच्छे से पपाया पीस गया है। अब हम इसमें थोड़ा और दूध डालेंगे और इसे फिर हम एक बार पीस लेंगे। इसे हमने दोबारा पीस लिया है। अब हम इसे एक भगोने में रख के इसे हम छान लेंगे। ये हमारा छन गया है। हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है। आप बिना इलायची पाउडर के भी बना सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर डालने से इसका थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। अभी हमारा थोड़ा सा बच गया है, इसे हम निकाल लेंगे, अलग कर देंगे। अभी हमारा पपाया शेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम दो गिलास लेंगे, इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे। और हम ये पपाया शेक डालेंगे। अब ये हमारा पपाया शेक बनके तैयार हो गया है। आप इसे खुद भी पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए और अपना अनुभव कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।